दोस्तों आज हम जानेंगे झारखंड राज्य के खूबसूरत शहर रांची के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि शहर की कुछ ऐसी खासियत है जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए फिर आज हम आपको लेकर चलते हैं रांची के एक शानदार सफर में। ये शहर झारखंड राज्य की राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का एक प्रमुख जिला भी है। रांची को झरनों का शहर और स्पोर्ट सिटी जैसे नामों से भी जाना जाता है, तथा अगर आपको प्राकृतिक से काफ़ी ज़्यादा लगाव है तो एक बार रांची जरूर आएं, क्योंकि समुद्र तल से 651 मीटर की ऊंचाई पर बसा रांची शहर चारों ओर से घने जंगलों और पठारों से घिरा हुआ है, जिस कारण यहाँ की जलवायु साल भर काफ़ी सुहावना रहता है। हालांकि अनियंत्रित वनों की कटाई और शहर के विकास के कारण यहाँ का औसत तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है, जो कि हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। रांची शहर पुराने समय में बिहार राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में झारखंड और बिहार के बंटवारे के बाद रांची को झारखंड की न्यायिक राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं आज के समय लगभग 18 ब्लॉक्स में बंटा हुआ रांची अपने बढ़ते शहरी क्षेत्र के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, तथा इस शहर को भारत में बनने वाले 100 स्मार्ट सिटीज में से एक के रूप में चुना गया है, जहां इस राज्य के किसी अन्य शहर के मुकाबले रांची में सबसे अधिक ऊंची इमारतें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए यहां की अर्थव्यवस्था की, तो रांची की जो मेजर इकोनॉमी है वो टूरिज्म, रियल एस्टेट और यहां के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पर आधारित है, तथा शहर में कई इंडस्ट्रियल जोन होने की वजह से पड़ोसी राज्यों से भी भारी संख्या में लोग यहां पर रोजगार की तलाश में आते हैं, तथा वर्तमान समय में रांची का मेट्रो एरिया 652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां की कुल आबादी 2011 सेंसस के आधार पर तकरीबन 14.56 लाख निवासियों की है, जिसमें कि प्रति हजार पुरुषों पर यहां पर सिर्फ 949 महिलाएं हैं। अथवा अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो रांची जिले की कुल आबादी में 64.31% हिंदू, 16.42% मुस्लिम, 8.52% क्रिश्चन, 0.39% सिख और बाकी यहां पर 9.72% अन्य जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। रांची शहर में बोले जाने वाली भाषाएं और यहां का खान पान। रांची जिले की ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे तो हिंदी तथा इंग्लिश है, बाकी इनके अलावा भी यहां पर मुख्यतः 5 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें कुरमाली, सादरी, कुरुख, मंदारी तथा कोरथा भाषा शामिल है। वहीं अगर खान पान की बात की जाए तो रांची के लोग खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, तथा झारखंड और रांची का एक कॉमन फूड है धुस्का। इसके अलावा यहां पर आप लिट्टी चोखा, दही जीरा और तीखा आलू कड़ी जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। रांची जिले का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बात करें इस जिले के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के बारे में, तो रांची रोड, रेल तथा हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हमारे इंडिया में 28वें रैंक पर है। यहां से रोजाना कई सारी उड़ानें भारत के अन्य शहरों के लिए भरी जाती हैं। एंड आइए अब आखिर में जान लेते हैं रांची में घूमने फिरने योग्य कुछ स्थानों के बारे में। तो यहाँ पर आप पतरातु वैली, दसम फॉल्स, जगन्नाथ टेंपल, जोन्हा फॉल्स, रॉक गार्डन, टैगोर हिल, रांची लेक और बिरसा जूलॉजिकल पार्क जैसी जगहों पर घूम सकते हैं।